हेलो। हाँ भाई, लक्ष्य आवाज आ रही है? हाँ भाई, भारती दीक्षा भी है, लक्ष्य सोनिया आवाज आ रही है बेटा? ना मनजीत, मनजीत कौन सी क्लास है बेटा तेरी? मनजीत आवाज आ रही है? मंजीत, पूजा, पूजा आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, अब बेटा देखो, मैट के लिए मैंने आपको आइडिया दिया था कि कैसे आपने जो है तैयारी करनी है उसकी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आप ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाओगे, उसमें उतना ही जो है ज्यादा स्कोरिंग होते जाओगे। अब आपने क्या करना है, सुन रहे हो? पहले तो ये बताओ, आवाज आ रही है? अपनी अपनी आवाज जो है ना प्रेजेंस बोलें एक बार। ठीक है। प्रीति कौन सी क्लास में है बेटा? और दीपक? दीपक 10वीं में है, वेरी गुड। और मनजीत कौन सी क्लास में बताया? और पूजा 10th में, सोनिया 10th में है। मनजीत 9th में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है? अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो टेस्ट है, चाहे तो वो NMMS का हो चाहे NTSC का हो, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो मैट और एक सेट। मैट भी 90 नंबर का होता है और सेट भी कितने का होता है? 90 नंबर का। इसमें होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो मैंने कराई है आपकी, देखे होगा ना आपने, सीरीज हैं, अल्फाबेट हैं, ये इस तरह के होते हैं, फिगर आएंगी आगे उनको भी कराएंगे। और सेट में क्या आता है बेटा, इसको बोलते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। बातें नहीं भाई, कचर पचर ना करो। अब तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, साइंस आएगी, SOS आएगी, मैथ्स आएगी। तो देखो, मेंटल एबिलिटी का तो हर संडे को एक पेपर डाल दिया जाएगा, वो आपने करना है सैटरडे तक, ये डन हो जाएगा। फिर उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपने बतानी है मेरे को, ठीक है?
और जो बच्चा मेंटल एबिलिटी ही पूरा कर जाएगा, बढ़िया कमांड रखेगा इसके ऊपर, उसका 100% जो है सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी बढ़िया, अगर मेरिट में रहना है आपने तो सेट पे और ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस को भी कवर करता है और आपको स्कोरिंग भी बनाता है। तो इसमें है साइंस, एसएस और मैथ्स। 8वीं के लिए भी है ये, 9वीं क्लास के बच्चों के लिए भी है और 10वीं के लिए भी है। तब मैथ्स तो मैं करा दूंगा, जैसे सुबह मैथ करा दिया, शाम को मैं मैथ करा दिया करूंगा। और इसको कैसे करोगे, साइंस को और एसएस को? अपना अपना व्यू दो बेटा, कैसे कैसे करोगे इसको? दिशा बताएगी पहले, कैसे करोगे इसको? अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो? हाँ, यश ने जो है बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन अब तक दिखाया तो कौन है बेटा? आपने साइंस की बुक ले लेनी है, सुनो, आपने साइंस की बुक ले लेनी है और सोशल साइंस की भी ले लेनी है। ये बुक फिर किसी को देनी भी नहीं है, जोन सी क्लास में पढ़ रहे हो उसी उससे की जोन सी क्लास में पढ़ने लग रहे हो ना, उससे की 8वीं वाला 8वीं की, 9वीं वाला 9वीं की, 10वीं वाला 10वीं की। समझ आ रही बात है? यहां तक समझ में आ गई बात है? अपनी अपनी एसर्शन दो। जिसका समझ में यहां कम सुनाई दे रहा है वो वीडियो देख लेना। तो आप, हाँ, साइंस के लिए क्या करोगे, सोशल साइंस के लिए क्या करोगे, टेक्स्ट बुक ले लेनी है आपने। और इस इन टेक्स्ट बुक को क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, किससे करोगे रे? पेंसिल का यूज करोगे। और डेली जो है, डेली चाहे एक पेज पढ़ो, चाहे दो पेज पढ़ो, चाहे तीन पेज पढ़ो, उनको अंडरलाइन करके और फोटो उतार के पीडीएफ बना के, डेली की पीडीएफ मेरे पास आनी चाहिए। भारती पढ़ती है, फिर पीडीएफ बना के भेजी बेटा कभी? दीक्षा दीक्षा, ये टेक्स्ट बुक पढ़ी है साइंस और एसएस की? बेटा डेली जो है ना, मेरी बात समझ लो ध्यान से, इन टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तो ये टेस्ट नहीं, तुम बड़े सिलेक्शन आएंगे तुम्हारे, अफसर भर्ती हो गए आगे जाके, ना कोई सब इंस्पेक्टर लगेगा, कोई आईएएस लगेगा, सभी को ये बुक पढ़नी पड़ती है, साइंस की भी और सोशल साइंस की भी। तो अभी आपने आदत बनानी है, और आदत को मैं चेक कर पाऊं, मॉनिटरिंग चेक कर पाऊंगा, मैं उसकी मॉनिटरिंग कर पाऊंगा, उसके लिए आपको डेली जो है पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता एक दिन में एक पाठ पढ़ दो, लेकिन जितना भी पढ़ो अंडरलाइन करके और उसकी पीडीएफ बना के और लिखो, उसमें नेमिंग करना सीख लो, पीडीएफ कौन से चैप्टर की है और किन पेजेस की है, डेट लिख दो, लेसन का नाम, पेज नंबर और डेट, ये डाल के भेज दो बेटा। अंडरलाइन करके कर रखा है? हाँ, तो उसकी पीडीएफ भेज दिया करो।
हाँ तो उसकी पीडीएफ भेजो मेरे को, पता कैसे चलेगा, और बच्चों को भी पता चले कैसे करना है। रही मैथ की, एक रजिस्टर बना लो, आपके फार्मूले लिखवाए थे मैंने, वह फार्मूले में अपने नए फार्मूले जोड़ते जाइयो। वह कितने फार्मूले थे? कितने फार्मूले थे बेटा वो? तेरह फार्मूले थे ना, तो नए सिरे से करने आपने। तेरह तो वैसे ही, ये 60 तो तन कर रखे हैं, वह तेरह तो सही है ना, इब आगे 13 ते और गिनती करने, क्योंकि दादरी वाले बच्चे हैं, इनको भी शामिल करना हमने। तो अब 13-14 फार्मूला लिखूंगा मैं, तो तुमने एक फार्मूले की अपनी पूरी बुक तैयार कर लेनी है, ठीक है? अब हमेशा काम आएगी। अब मैं जो ये पेपर दे रखा था, इसमें मैथ का 126वां क्वेश्चन है, इस पे हूँ, मैथ यहाँ करवाया करूंगा और ये पीडीएफ चेक कराया करूंगा। पीडीएफ कर लोगे तो साइंस और सोशल साइंस खत्म, आपकी 60 नंबर की आएगी दोनों, ये मैथ अलग से आएगा 30 नंबर का। तो ये बेटा देखो, हल करना है 25/(-9) माइनस 9 गुणा में 1/3, आशीष बताएगा कैसे होगा ये। यस डागर, कैसे हल होगा ये 25/(-9) गुणा में 1/3? क्यों करोगी बात तो पूछूं मैं? ट्वेंटी फाइव हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस 27, तो 25/(- -27 ये आंसर है, और ये ऑप्शन में आपका बी बी ऑप्शन 127वां, 11/9 उसकी पावर 3 गुणा 9/11 उसकी पावर 6 बराबर 11/9 उसकी पावर 2x-1। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये हैं बेटा घातांक के, घातांक के फार्मूले क्या क्या हैं वो समझ लो एक बार। 13 फार्मूले तो वो थे, 14वां फार्मूला आ गया, 14वां फार्मूला है ए की पावर एन, या बस ए की पावर एम प्लस एन, वेरी गुड। 15वां फार्मूला, कौन बोले ये? भारती, वेरी गुड। जब डिवाइड होते हैं तो ये घट जाती है पावर, गुणा होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। ए की पावर एम और ए की पावर एन अगर बराबर हैं तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, एम बराबर एन। 17वां फार्मूला, ए की पावर एम तो 1/ ए की पावर क्या हो जाएगी, माइनस एम, ठीक है? मतलब ए को पलट दिया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? 18वां, ए बी सी की पावर एम क्या हो जाएगा, ए की पावर एम बी की पावर एम, गुड। और 19वां है, ए की पावर एम और उसकी पावर एन ये क्या हो जाए, ए की पावर एम एन, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, जब हालात ये बराबर के हैं तो 11/9 की पावर है इधर,
तो इधर भी तुमने कितनी बनानी है, 11/9 की पावर बनानी है, तो यो तो 11/9 है। और अभाज्य टुकड़े भी कर लेने हैं, 20वां मैं रूल लिखवा देता हूँ। अभाज्य टुकड़े, अगर संख्याएं बड़ी हैं तो क्या करेंगे, अभाज्य टुकड़े कर लेंगे उसके, यदि संख्याएं अभाज्य नहीं है तो। अब 11 और 9 क्या है, अभाज्य हैं आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11/9, इसको 11/9 करोगे तो कैसे, क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। अब इसमें 14वां रूल लग जाएगा, 11/9 की पावर 3, 11/9 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा, 11/9 उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस में -6, क्योंकि प्लस होना था ना, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा पहले। तो तीन जमा -6 कितना हो जाएगा, कौन बताओगे, वेरी गुड। अब जब आधार बराबर हैं तो शक्तियां भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। -3 बराबर क्या हो जाएगा, 2x-1। अब x वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो -1 को इधर ले आओ, -3 जमा 1, बराबर 2x, -2 बराबर 2x। अब 2 को इधर गुणा में इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग का, -2/2 बराबर x, x बराबर कितना आ गया, -1, तो इसका भी b आंसर हो जाएगा, ठीक है, 128 में। 3 गुणा में 5 है, -7, -2 गुणा में 9 है, -11, 4 गुणा में 8 है, -13, -17। तो ए की कीमत निकालनी है बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बोडो मास का रूल भी याद होना चाहिए, 21वां में क्या है, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यस बोलेगा, 3 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15a, 21, यस बोलेगा सिर्फ, -18a, -2 को 2 9 से गुणा करा तो -18a, आगे बोल, +22, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर -32a, आगे बेटा शाबाश, 4 को 13 से करेंगे तो -7, -17, ठीक है। अब ए वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ, 15a और -18a कितना हो जाएगा, आशीष बताएगा, आशीष है ना ऑनलाइन पे, लक्ष्य, नहीं बेटा, 15a और -18a, लक्ष्य बताएगा, लक्ष्य,
प्रीति -3 है, वेरी गुड बेटा। जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो इनका जो जोड़ जमा होता है वो घटना घटना निश्चित होगा, घटेंगे वो प्लस और ये माइनस का, तो बड़े में से छोटा घटा लो 3 है, निशान वो लगा जो बड़े का था माइनस का। अब ऐसे ही बताएगा आशीष, -21 और +22 कितना हो जाएगा? वेरी गुड। इधर 32 ए है अकेला, और -52 और -17 ये कितना होगा? लक्ष्य बताएगा। किसने बोला? कौन? भारतीय से बोलो बेटा, इन्हें भी सीखने दो। -52 -17 दोनों माइनस के हों तो जुड़ेंगे, लेकिन निशान माइनस करेगा। 7 और 2 9, 5 और 1 6। अब ए वाले तो एक तरफ करने हैं, 32 को तो इधर लाएंगे, इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। एक उधर जाएगा, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 है, माइनस का 32 है, माइनस का 69 और -1, माइनस का 35 है, माइनस का 70। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 35 है बराबर 70। तो यस बताएगा ए कितना आ जाएगा? ये गुणा में बेटा इधर आके क्या हो जाएगा? भाग का 70/35, 35 × 70, ए बराबर कितना आ गया? 2। तो योर आंसर इज सी, सी आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 129वां क्वेश्चन। इसने एक जो है क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, चतुर्भुज। इसमें एक्स एंगल है, ये 90 है, यो 120 है, और यो बेटा 65 का है। अच्छा, प्रीति और दीपक दोनों है ना लाइन? बेटा क्लास तो चल रही है। अच्छा, दोबारा से एक बार फिर लिंक भेजो। हाँ, क्लिक करो उसको। प्रीति और दीपक, आवाज सुन रहे हैं बेटा? ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखो पता नहीं, त्रिभुज के कोण 22वां फार्मूला हो जाएगा। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? अच्छा, और बेटा चतुर्भुज का और पंचभुज का पांच सौ चालीस, षटभुज का 60 भुज का कितना होता है बेटा? नहीं दे रहा। इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। त्रिभुज
का पता कराया तो एन की जगह क्या रख दिया, 3। चतुर्भुज के लिए क्या रख दिया, 4। पंचभुज के लिए क्या रख दिया, आवाज आ रही बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, नेटवर्क चेंज हो गया बेटा। आवाज बताओ एक बार, लक्ष्य आवाज आ रही है, वेरी गुड, ओके सर, ओके। अब देखो त्रिभुज के कोणों का योग कितना था, 180। कैसे आया, एन को 3 रख दिया, 3 घटा 2 गुना में, हाँ 1 गुना में 180 हो गया ना। चतुर्भुज के कोणों का योग 360, 4 रख दिया, 4 में से 2 गया 2, 180 गुना में 2, समझ आ रही बात। पंचभुज में 3 कर दिया, अब षटभुज में क्या करेंगे, 6, तो 6 घटा 2, 4 गुणा में 180 कितना हो जाएगा, 720, पता लग गया। और अगर भुजाएं एक सी हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रेगुलर पॉलीगन, सम बहु भुज, समबहुभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हों, तो उसका एक कोण कितना होता है, एन माइनस 2 गुणा में 180 बटे में एन होता है। त्रिभुज का एक कोण कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल का 60 होता है ना समबाहु का, वर्ग का 90 होता है। ऐसे ही पंचभुज का पूछ सकता है, 5 रख दो यहाँ, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 180 बटे में 5, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका। 5 3 15, 5 6 30, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री का आएगा एक कोण। जैसे जैसे पॉलीगन बढ़ती जाएगी, भुजाएं बढ़ती जाएंगी, एक कोण की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ कितना होता है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहिर कोण, कोणों का योग, ये सभी का एक जैसा होता है। त्रिभुज का कितना होगा, 360 होता है हमेशा, चाहे कोई भी हो, समझा रही बात। बहिर्कोण क्या होते हैं, जैसे बहिर्कोण है, ये बहिर्कोण है, ये बहिर्कोण है, कोई भी भुज, वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे पंचभुज हो, सबका कितना होता है, 360। अब वर्ग का कितना हो जाएगा, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90, 90 90, 360 आ गई। कोई सी भी हो, बाहर के कोणों का योग कितना होता है, 360, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आए बेटा, आवाज आ रही है ना, चुप हो गए सारे, यस आवाज आ रही है, मंजीत आवाज आ रही बेटा, प्रीति, आशीष, तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, हेलो, हाँ क्लासेस चल रही है बेटा, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है कोई, वीडियो देख ली, ओके।
तो सारे चारों कोणों का जोड़ कितना होगा बेटा इसका? वेरी गुड। तो एक्स जमा में 90 जमा 120 जमा 65 बराबर कितना हो जाएगा? 360। 90 और 120 कितना होगा? 275। वेरी गुड। स्टेप वाइज करा रहा, फिर गड़बड़ नहीं होगी। एक्स कितना हो जाएगा? एक्स कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8, तो 85 आएगा बेटा। और आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो मैथ होगा ना, ये आपके मैथ को बहुत आसान कर देगा, जो क्लास का मैथ होगा उसको। 130 में देखो अब, यहाँ बेटा 360 लोगों के समूह को पसंदीदा मौसम के विषय में मतदान के लिए कहा गया। यहाँ पे तो है मौसम, और यहाँ पे है मतों की संख्या। गर्मी, गुड। बरसात, बरसात में 120 वोट पड़ी। सर्दी, डेढ़ सौ। इसने पूछा कौन से मौसम में अधिक मत मिले, तो सर्दी में मिले, ये तो सीधा सा सवाल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 131वां, 2.56 का वर्गमूल काटना हमने। वर्गमूल का मतलब ये, तो पहले इसके दशमलव हटा लो। कैसे हटते हैं दशमलव? दशमलव की जगह एक, पांच, 100, यार दशमलव खत्म। सवाल रह गया 256 का वर्गमूल बटे में 100। अब जिसका वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल याद है वो फटाक दे बता देगा। लक्ष्य बता बेटा। तो 16 बटे में 10 हो गया यो। आशीष बताएगा इसका आंसर क्या आएगा। एक पॉइंट छह। ठीक है बेटा, यहां से आगे मैं कराऊंगा। मैथ को मेरे साथ साथ करना है। थारा काम के है सेट में। थारा काम क्या है? बारी बारी बताएंगे मेरे को। थारा काम के है पहले, वेरी गुड। और मैथ के फार्मूले भी याद करने जो आए हैं। फार्मूले हो गए 27, ध्यान रख लियो। हाँ, 13 तो वह बोलिए और 14 लिखवा दिए। अच्छा मनजीत, समझ में आ गई बात है? क्या समझ में आई, क्या करना है? पढ़ोगे तो पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, उन अंडरलाइन किए हुए पेजों के फोटो उतार के भेजोगे। ओके, प्रीति दीक्षित और दीपक दीक्षित, समझ में आ गया बेटा? हाँ, क्या करना है बोलो बोलो। हाँ, और पढ़ के फोटो उतार के, और जो समझ में नहीं आया वो पूछना भी है। हाँ, और मैथ के फार्मूले लर्न करने हैं। अब है आगे जो है मंजीत। हाँ, क्या करेगा?
गुड, लक्ष्य वेरी गुड। सोनिया रीनेमिंग में, रीनेमिंग करोगे ना रीनेम, तो उसमें डेट भी होनी चाहिए, ठीक है। और साइंस का है, सोशल साइंस का है, वो भी लिखोगे, पाठ नंबर भी लिखोगे, ठीक है ना बेटा अपनी।